निवेदन किया जाना, आप खड़े क्यों होते समझ में नहीं आता। इतना विशाल मंच है, आपको आराम से दिखाई दे रहा है, उसके बाद खड़े होने की जरूरत क्यों महसूस। देखिए, किसी ने कहा है कि भावना में यदि भावना हो तो भावना बेकार है, और यदि भावना में यदि भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। जितने भी भक्त लोग अपना भव से बेड़ा पार लगाना चाहते हैं, दोनों हाथ खड़े करके हाजी लगाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल आप लोगों की ताल के साथ में गाना चाहूंगी, जितने भी मेरी माताएं बहनें यहां विराजित हैं। हेलो, बिल्कुल आपकी ताल के साथ गाऊंगी, सर दोनों हाथ खड़े करके हाजी लगाएं। खम्मा खम्मा हो रामा। देखिए ऐसे नहीं, जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं जो आगे विराजित हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी,
सबसे आगे बैठे हैं बिल्कुल। हाँ जी, दोनों हाथ खड़े करके एक बार दोनों हाथ खोल लीजिए। इधर मेरी माताएं बहने, वाकई लगना चाहिए कि उंडुका अमीर की धन्य धरा पर कोई भक्ति संध्या रची गई है। दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथ एकदम सीधे। खम्मा खम्मा हो रामा, खम्मा खम्मा हो रामा। पीछे वाले भक्तों का कोई रूसना किया हुआ है बाबा से, निवेदन करूंगी एक बार दोनों हाथ खड़े के हाथ ही लगाएं, सभी को बाबा राम कबीर की सौगंध। खम्मा खम्मा हो रामा, ढूंढे छेड़ा घेड़िया, थाने तो जावे आपको मार मार हो, हो आपको गुजरात हो। मुझे समझ में नहीं आता। मीता मीरा दी चारा पिता अजमाड़े जी, माता मीरा दी चारा पिता अजमाड़े जी, सुगनारा वीर रानी निकलरा भरदार जी। आप लोगों की ही ये जो आप भक्ति करके आए हैं ना, बड़े दूर से पैदल चलकर आए हैं, वो सभी व्यर्थ हो रहा है यदि आप आकर के भजन संध्या में अव्यवस्था फैला रहे हैं। तो निवेदन करूंगी आप सब खुद का ध्यान रखें, अपने आप पूरी सभा शांत हो जाएगी। बिल्कुल निवेदन करूंगी एक बार नीचे बैठ जाए। हाँ जी, ये जो पीछे भक्त लोग विराजित खड़े हैं जो, उनसे निवेदन करूंगी नीचे बैठ जाए, व्यवस्था बनाए रखे। और कहा
देखिए हमारे साथ जो कलाकार है उन्होंने पहले ये ब्लेड जो पत्ती आपको कहते हैं उसको पूरी खाई, फिर ये धागा खाया और पांचों 12 कड़ जने पत्ती और धागो आपस में देखो किन तरह जुड़ गया है। एक बार यहाँ वास्ते भी जोरदार ताली अकड़ा खपे जी हूँ।